देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हम लोगों के प्यारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रिय भाई नीतीश कुमार जी, यहाँ सभी एनडीए के नेतागण, गांव-गांव से आए हुए लाखों की संख्या में यहाँ गरीब भाइयों, किसान मजदूर भाइयों, माताओं बहनों, मीडिया के सभी साथियों, प्रधानमंत्री जी को, इसके बाद अमेठी में भी जो है आज रैली, विशाल रैली है, संबोधित करना है। इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मैं सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी को इस बिहार की भूमि पर, भगवान बुद्ध और महावीर की भूमि पर, राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि पर, कर्पूरी ठाकुर की भूमि पर, भिखारी ठाकुर की भूमि पर, कितने अनगिनत यहाँ लोकप्रिय नेता हुए हैं, सबके ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आज ये जो जन समूह है इतना उत्साहित है, और लगातार 4-5 दिन से जब हम थे हाजीपुर में और बिहार में हमारे साथी घूम रहे थे तो स्वतः पता चल रहा था, आपने जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया था तो आपने पार्लियामेंट के सामने में जाकर के प्रणाम किया था और आपने कहा था यही हमारा मंदिर है और संविधान हमारा जो है धर्म है। फिर आपने कहा था कि हमारी सरकार, मेरी सरकार का लक्ष्य पावर टू द पुअर है, गरीब का राज है। आज हमें इस बात का खुशी है कि जो काम 70 साल में नहीं हो सका आपने 5 साल में करके दिखा दिया। आदमी को रहने के लिए एक परिवार को क्या चाहिए, एक परिवार को रहने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए, और अभी तक जो है 5 साल में 1.5 करोड़ घर जो है बन चुका, गरीब को दिया जा चुका, और 2022 तक में हर गरीब को मकान मिल जाएगा, पक्का मकान मिल जाएगा। जो हमारी माँ बहनें थी शाम का इंतजार करती थी शौचालय के लिए सड़क के किनारे, आज जो है 9 करोड़ से ज्यादा 98% घर में शौचालय की व्यवस्था हो चुकी। जो आंख फूट घर हमारी माँ बहनें थी गोईठा से और ये लकड़ी से जो धुआं होता था उससे आंख खराब होता था, उसके बदले में आपने सभी गरीब को, बीपीएल जो गरीब लोग हैं सबको 6 करोड़ गैस कनेक्शन देने का काम किया। ये कोई मामूली चीज नहीं है। बिजली, जो बिजली जो है गांव में, दूर गांव में, दलित के मोहल्ला में नहीं होता था और उस हर घर में बिजली हो, नीतीश जी का प्रयास शुरू से उनका भी रहा। 18,000 गांव था 2014 में जहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उन सभी घरों में आज जो है 100% घर में बिजली की व्यवस्था हो गई। घर हो गया, शौचालय हो गया, गैस हो गया, बिजली हो गया, उसके बाद लोगों को चाहिए इलाज। 50% से ज़्यादा लोग बिहार के जाते हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में। प्रधानमंत्री जी के आने के पहले पूरे देश में 6 एम्स था, आज पूरे देश में 6 एम्स से ऑल इंडिया मेडिकल साइंस से बढ़कर के 22 हो गया है। हर परिवार के लोगों को, 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपया जो है एक साल में जो है बिना मांगे, आप जाइए गोल्डन कार्ड बनवाइए। अभी हम गए थे हाजीपुर में, 2000 से ज्यादा लोगों को हमने अपने हाथ से दिया और उसके बाद जो है सीधे
हॉस्पिटल में जो है आपका पैसा पहुंच जाता है 5 लाख रुपया एक साल में। एक बार में यदि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 खर्चा हुआ, आप फिर उसको ले सकते हैं, साल भर में 5 लाख तक कर सकते हैं। लोगों को चाहिए सस्ता खाना। पिछले 5 साल में हम लोगों ने एक नया पैसा बढ़ने नहीं दिया। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो मोटा अनाज, और एक दो व्यक्ति को नहीं, पूरे देश में यदि 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा आबादी है तो 81,000 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो मोटा अनाज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। इसके अलावे साथियों, किसान का मामला है, जो छोटे हमारे किसान हैं, मझला किसान हैं, उनके लिए आपको मालूम है कि अभी हम लोगों ने, हम भी थे कलकत्ता में थे, सब जगह पर 6,000 रुपया साल में उनको मिलेगा, हर 4 महीने पर 2,000 रुपया दिया जाएगा, पहला किस्त दिया जा चुका है। जो एमएससी है, एसएसपी हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैं, वो वादा था 1.5 गुना करने का, वो 1.5 गुना कर दिया गया। जो किसान बीमा योजना था उसको लागू कर दिया गया। जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका आय था 2.5 लाख रुपया तक का आय, आयकर की माफी उसको बढ़ा करके 6.5 लाख रुपया तक कर दिया गया है। मुद्रा लोन 3.5 करोड़ 3.6 करोड़ जो हमारे बेरोजगार हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्या कहते हैं कि उनको दिया गया मुद्रा लोन दिया गया बिना किसी जो है अब वो जमानत का। सड़क की हालत कितनी खराब थी, बिहार में नीतीश जी ने कहा था कि हम 3 घंटा के अंदर में पूरे बिहार में कहीं से इधर से उधर आप एक छोर से दूसरे छोर जा सकते हैं। आज हमें इस बात का खुशी है कि प्रतिदिन 133 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क हमारा बन रहा है। 32 करोड़ जनधन योजना हो गया, डाकघर बैंक नहीं था कहीं, हर प्रधानमंत्री जी ने हर डाकघर में बैंक की सुविधा कर दिया, वो बैंक का काम आज कर रहा है। हर जगह पासपोर्ट, पहले पटना में था, अब का जो है जिला स्तर पर जो है पासपोर्ट खुल चुका है विदेश जाने के लिए। जो तीर्थ 1 रुपया से भी कम है 330 रुपया, और आप जो है जीवन सुरक्षा बीमा योजना करा सकते हैं। साथियों, जो सामाजिक न्याय है वो हमारा पहला मुद्दा था। सामाजिक न्याय, जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के जो लोग हैं SC ST एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाइल्यूट करने का काम किया, सारे अपोजिशन के लोग हल्ला कर रहे थे, 12 दलित वर्ग के नौजवान मारे गए थे, प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल कैबिनेट की बैठक बुलाई, लोकसभा राज्यसभा से पास किया, और जब पास किया कानून और पूर्ववत रखा तो तमाम जितने जो है अपोजिशन के लोग थे वो चुप्पी साध दिए। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो पिछड़ी जाति के लोग, मंडल कमीशन लागू हुआ लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए जो आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। प्रधानमंत्री जी ने जो है, जब दलित का मामला आया था तो पिछड़ी वर्ग के लोगों को दुख हुआ था, जब पिछड़ी वर्ग का मामला आया तो ऊंची जाति के लोगों को दुख हो रहा था। प्रधानमंत्री जी ने जो है सामाजिक सद्भाव सबको बनाए रखने के लिए, जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं उनको 10% अलग से आरक्षण, और याद रखना भाइयों, जो लोग उसके खिलाफ में बोल रहा है, इस देश में जितने बड़े नेता हुए, भगवान बुद्ध हुए, दयानंद सरस्वती हुए, जितने भी नेता हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, महात्मा गांधी हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर तो दलित वर्ग में पैदा लिए थे, सब लोगों ने दलितों, पिछड़ों, अकलियतों की लड़ाई लड़ने का काम किया, और 10% आरक्षण जो दिया गया, प्रधानमंत्री ने कहा साफ तौर से कि जो दलित का अधिकार है वो अधिकार नहीं कटेगा, जो पिछड़े वर्ग का अधिकार है 27% आरक्षण वो नहीं कटेगा, अलग से उनको 10% दिया जाएगा। और आज तमाम गरीब गुरबा लोग जो है एक मंच पर क्या कहते कि आ गए हैं, कुछ लोग उसमें भी जो है राजनीति करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने समय में बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए
जितना काम किया, 26 अलीपुर रोड को म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम बनाया, इंग्लैंड में जाकर के बाबा साहेब अंबेडकर का जो मकान था जहां पढ़े थे उसको उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का काम किया। जो बम्बई में जो है वहां जाकर के जो है चैत्य भूमि है उनको इंटरनेशनल स्मारक बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर को जहाँ सम्मान दिया, अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले मालूम हुआ होगा जब गए थे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाकर के कुंभ में जाकर के जो है कुंभ में जाकर के इन्होंने स्नान किया। और स्नान करने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, मंदिर में नहीं गए, सबसे पहला काम किया जो हमारा सफाई कर्मचारी है, वो सफाई कर्मचारी पर मर्द औरत और मर्द उनको इन्होंने पांव पखारने का काम किया। और जो हम लोगों ने देखा जिस तरीके से ये पांव धो रहे थे प्रधानमंत्री जी, हम लोगों के आंख से आंसू गिर गया था। एक समय में जिसे को कहा जाता था कि अछूत है, चूहा बिल्ली मैना को मारने में जितना पाप लगता है उतना अछूत को लगता था, गांव से बाहर रखा जाता था, उसको जिस तरीके से आपने सम्मानित करने का काम किया, उसको जो है कभी जो गरीब वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, भूल नहीं सकते हैं। और इतना ही नहीं भाइयों, ये नहीं कि आज इन्होंने किया, 2001 में जब बने थे मुख्यमंत्री बने थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब जा करके हुआ था जो पूजन होता है, पूजा किया जाता है, पंडित लोग आए, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मैं पंडित से नहीं, मैं दलित वर्ग के, जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं, जो हमारे प्यून हैं, उनकी बच्ची के हाथ से जो है हम कलश क्या कहते हैं कि करवाएंगे। और इन्होंने करने का काम किया। मैंने शुरू में ही कहा था जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री आज उस परिवार से है जिनके पास में एक धूर जमीन नहीं है, चाय बेचने वाला परिवार का आदमी, सामाजिक दृष्टिकोण से अति पिछड़ा वर्ग का आदमी, और आज वो व्यक्ति जब जो है देश के 5 साल में शानदार देश की मान और मर्यादा को जो आदमी ऊपर ले गया है, आज पूरे विश्व में भारत का नाम है। क्यों भारत का नाम है? इसलिए भारत का नाम है कि प्रधानमंत्री जी ने आज पाकिस्तान के साथ में ये जो पुलवामा में जो घटना घटी है, ये कोई मामूली घटना जगत है कि नहीं है? कोई मामूली घटना नहीं है। हमारा फौज और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना टैक्टफुली काम किया। प्रधानमंत्री ने शुरू से कहा कि हमारा काम है आतंकवादियों को खत्म करना, हमारी लड़ाई जो है पाकिस्तान से नहीं है, हम युद्ध करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। हिम्मत है पाकिस्तान में तो बतलावे कि भारत में कोई आतंकी है? ये आतंकवाद को पोसते हैं, भारत में भेजने का काम करते हैं। और हमारी सेना के जवानों को, खास करके एयरफोर्स को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने समय चुना। हम रडार, जो हमारा रडार है, जो हमारा स्पेस है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, और जो प्रधानमंत्री वैसे भी 24 घंटा जगे रहते हैं लेकिन सोए नहीं, मॉनिटरिंग करते रहे और जाकर करके जो है उसी स्थल पर जहां हमारा क्या कहते हैं कि ये जो जैश मोहम्मद है, मसूद अहमद है, मसूद अजहर है, हाफिज सईद है, दाऊद इब्राहिम है, इनका जो फैक्ट्री था जहां जाकर के ये लोग आतंकवाद को पैदा करते थे, उसी जगह पर जाकर के जो है जो हमारा अटैक हुआ और उन लोगों को ध्वस्त करने का जो है काम किया। अंग्रेज वो लोग बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तान क्या कहते हैं बौखलाया हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरा देश हमारे सैनिक जो जमाबाज सैनिक है अभिनंदन जीत करके आया है, पूरा देश अभिनंदन कर रहा है। आपने जो है जो उनको सम्मानित करने का काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन पूरा देश जो हमारे सेना के लोग हैं उनके प्रति गर्वान्वित हैं। भारत का लोग, भारत के शानदार प्रधानमंत्री, पहले तो हम लोग कहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच है, लेकिन आज ये पटना का गांधी मैदान आपको सम्मानित करता है कि नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच नहीं 156 इंच है। आप सब लोग तैयार हो?
हाथ उठाओ सब लोग, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दो। और इसलिए जो है साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के रहते हुए जिस प्रधानमंत्री मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने चूरू में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वो आप उस समय में आपका मस्तिष्क से नहीं दिल से आवाज था। और वो प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री दिल का इतना चौड़ा है कि उधर हमारा सेना दुश्मन का सफाया कर रहा है और इत्मीनान से आम पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में मेट्रो से जाकर के बच्चों से मिल रहे हैं, नौजवान से मिल रहे हैं, अकलियत से मिल रहे हैं, ये है भारत का प्रधानमंत्री। हमको बुद्ध भी चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हमको युद्ध भी चाहिए। हम बुद्ध और युद्ध को दोनों को साथ में लेकर के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और अंत में इतना ही कहना चाहते हैं, जो लोग इफ बट अगर करते हैं, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। राष्ट्रहित हमारा सबसे ऊंचा है और उसके साथ में कोई खिलवाड़ करेगा वो खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पाकिस्तान का खाना पानी बंद कर दिया, हमने पाकिस्तान के ऊपर में 200% का टैक्स लगा दिया, हमने जितने जो है भारत में रह करके और पाकिस्तान का गुणगान गाते थे उनको क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जो है सिक्योरिटी छीनने का काम किया। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जो है भारत सुरक्षित है। और हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं साथियों कि अब आ गया है युद्ध का मैदान, आ गया है बैलेट से लड़ाई में, हम बुलेट की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बैलेट की भी लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे बुलेट की लड़ाई में जीते हैं, उसी तरह बैलेट की लड़ाई में जीतेंगे और 400 से अधिक सीटों पर फिर से कब्जा करके आदरणीय प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से बिहार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।